सो बॉयज, तुम में से कितने सारे लोग को, वाह भाई मैंने 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 कितना गंदा इंट्रो किया भाई, कितना गंदा इंट्रो किया भाई मैंने. वेट अ मिनट, आई डू अनदर इंट्रो. सी इस तरीके से यूट्यूबर लोग वीडियोस बनाते हैं. ठीक है, रुको गो, तुम्हें मजा आएगा. रुको. ये व्हाट इज ही पैंग. नो, बहुत गंदा था. दोबारा से. सब बॉयज, नहीं दोबारा से, कितना गंदा था. यो शेट ब्रो, एक भी अच्छे नहीं है. Hey! What is up boys? Welcome back to a brand new video. So today, आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं एक Instagram के content creator के बारे में. Bro, ये लड़की मेरे like Insta की feed में ना per day आ रही है. ठीक है, और mostly आती है रात के 3 बजे. और that sounds wrong, but मेरा कहने का मतलब ये है वो उस time पे आती है जिस time पे मेरे को इसको देखना नहीं है. ठीक है, तो मेरे को एक reel आया था and उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे actually stream के ऊपर react करना चाहिए on this creator, because she is not normal bro. नॉर्मल मेरे हिसाब से ये नॉर्मल नहीं है. ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट सेजल एक्स नहीं ई एक्स एक्स. ठीक है, और राइट, तो ये है सेजल. तुम्हें से कितने सारे लोग सेजल को जानते हो चैट? तुम्हें से बहुत सारे लोग जानते हो भाई इस लड़की को. तो मैं थोड़ा सा तुम्हारे फील्ड में थोड़ा सा लेट हूँ. मैं रिसेंटली 2-3 दिन पहले इसको अच्छे से थोड़ा बहुत देखा, एंड आई वाज लाइक कि मुझे तो एक्चुअली स्ट्रीम के ऊपर बातचीत करना चाहिए इसके बारे में, एंड मुझे देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं. तो या लेट्स सी. प्रोफेशनल टॉयलेट लिकर. मैंने वही टॉयलेट वाली रील देखी थी भाई, वो क्या बोलते हैं, शाहरुख खान वाली. ठीक है, एंड मेरा रिएक्शन ऐसा था लाइक फॉर रियल. तो ये है सेजल, शी मेक्स रील्स. ओके, सी आई फक विद दिस ब्रेन रॉट ब्रो, आई फक विद दिस. अगर मेरे ये फीड पे आती तो आई एम प्रीटी श्योर मैं इसको लाइक करता. फॉर सम रीजन मैं इसको लाइक करता ब्रो, मेकिंग हर ऑन एडिट्स. दैट्स मी, बट हिज, नॉट हर, या हिम, हिज. ओके, ऑलराइट. मतलब तेरा गोल क्या है? मेरी लाइफ का 2 ही गोल है. व्हाट वाज इट, जूम इन? क्या मैंने अभी कोई जूम इन देखा? मेरे बूब्स. मतलब तेरा गोल क्या है? मेरी लाइफ का 2 ही गोल है. क्या? मेरे बूब्स. मतलब सो इन दिस एपिसोड हम लोग डिसाइड करेंगे कि आखिर ये क्या है. क्या ये ह्यूमर है? क्या इसको आप डार्क ह्यूमर बोलोगे? क्या इसको आप फनी बोलोगे? या आप इसको डिफरेंट बोलोगे? क्या आप इसको यूनिक बोलोगे? या क्या आप इसको क्रिंज बोलोगे? या आप इसको बोलोगे समथिंग वेरी वियर्ड? वी गॉट डिसाइड हर कॉन्टेंट. तुम लोग डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या लगता है. एक लड़के ने कमेंट किया, अबे मादर सेट कभी अपनी शक्ल देखी? एक साली काली नाटी बोनी. हाँ, मैं इतनी बोनी होगी तेरी माँ मुझे डिल्डो की तरह यूज कर सकती है. और उसने किया, इसी वजह से मेरा कलर काला है. अगले टाइम मेरे से बकचोदी की ना तेरी मम्मी की चबा जाऊंगी. और तूने अपनी शक्ल और हाइट देखी है साले? तो पैदा कैसे हो गया? तेरी माँ ने दलित के बीयर की बोतल डालने से पैदा हो गया. एक लड़के ने Imagine if she starts roasting me, bro. ये क्या था? Like, I mean, उसने इतनी सारी गालियां दी कि like उसको ऊपर बाद में voice over करना पड़ा अपनी गालियों का. भाई ये लड़की ही नहीं है. I mean, मैं नहीं बोल सकता. तुम में से कौन इतनी सारी कोई गालियां दे सकता है? मैं नहीं बोल सकता भाई इतनी गालियां एक साथ. सुनना, मेरे कपड़े उतार मेरे. I like this. और सुनना. Okay, ये okay है मेरे हिसाब से. This was little funny. मुझे सही लगा. अनपढ़, ये इतना गलीज नहीं था. तो मेरी पड़ोसी का मीट का दुकान है. आज मैं मीट लेने गई थी, देखी तो दुकान खुला नहीं था. उससे घर जाके देखा तो सब रो रहे थे. कुछ कार्यक्रम था शायद, फिर भी मैंने बोला अंकल 2.5 kg मीट मिलेगा. No, bro. Wow. Rachis type. Why do you think she's my type, huh? कुछ भी हो Rachis type. Hell no. By the way, this was so good. You like? ये तुम्हें पसंद आया? That was very unpredictable. मैं नहीं कर सकता भाई ये. आपका boyfriend है? नहीं, मेरा breakup हो गया. मैंने उसको बहुत रोने की कोशिश की. मैंने उसको वो भी बोला कि मैं तेरा वो खा लूँगी. क्या बोलते हैं उसको? Go. Hey. आपका boyfriend है? ये क्या रहा है यहाँ पे भाई? ये कैसे कंफर्टेबल है भाई ये लड़की ये सब बोलने के लिए? मेरा एक तो बहुत गंदा आदत है कि फॉर सम रीजन लाइक यू नो मैं अगर कुछ भी, ओ माय गॉड, अगर कोई भी कुछ भी चीज बोलता है फॉर सम रीजन मैं वो चीज इमेजिन करता हूँ. तो जब ये चीज बोल रही है ना मेरे मन में वो चीज एज अ वीडियो चल रहा है. और ब्रो दैट दिस इज ट्रॉमेटाइजिंग मैन, दिस इज ट्रॉमेटाइजिंग. सीजन शुरू होने वाला है, जल्दी चलो. शकला का बम बम.
ये अच्छा है ये वाला रील। हातिम अभी तो खाना खा लो। दिस अ नॉर्मल रील लाइक आफ्टर इतने देर के बाद। या इन लोगों को जितना गाना बजाना था कर। सीजन शुरू होने वाला है जल्दी। दिस नॉर्मल ठीक है ये सही है। ये वाला रील तो सही था काफी नॉस्टैल्जिक। बाथरूम में हगने के बाद पानी नहीं आ रहा क्या करूं? एक काम करो अपने गंड को ऐसे मोड़ के गंड के पास लेके जाओ और जोर से पेशाब कर दो। सजेशन सुन लिया हो तो अब एक और चीज सुनो। 25 अगस्त ये तारीख याद करके रख लो। ये तारीख को कहीं मत जाना क्योंकि इस दिन अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे दस एड ब्रो इसने एड किया ये। वाओ आई मीन इफ मैं इसको और मुस्कान को कंपेयर करूं तो मैं मुस्कान का रील देख सकता हूँ। नो वे शी इज गेटिंग स्पॉन्सर्स। किस लिए नहीं? एक तो स्पॉन्सर्स ने ओके कैसे बोल दिया फॉर दिस। मेरे वाले स्पॉन्सर को तो गालियों में बहुत इशू होता है भाई। पीरियड में लीकेज प्रॉब्लम यूज योर बॉयफ्रेंड्स माउथ। क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड के मुंह में है लीक लॉक टेक्नोलॉजी जो दे आपको 5 दिनों तक लीकेज से प्रोटेक्शन। इनफैक्ट आपको पैखाना करते वक्त पैड की तरह इसको उतारना भी नहीं पड़ेगा। ब्रो दिस इज गेटिंग बैड। This is getting bad every single second. हर एक second के बाद ये और बुरा होता चला जा रहा है bro. I'm getting traumatized. Please help me. वो बंदे ने अपना सिर वॉशरूम में दे रखा था। रचित शो डाउन बैड। I'm not down hard bro. What do you mean by down bad? She's getting worse bro. It is getting worse. सबको लगता है मैं एक चांदल किस्म की औरत हूँ। मुझसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती लेकिन मेरे घर आज रिलेटिव का बच्चा आया था तो उसको आज मैं खुश करूंगी। आइसक्रीम खाएगा ये ले। आज अचित भाभी पर रिएक्शन दे रहे हैं। हाँ भाई मैं हर लड़की का पति हूँ। डू आई इडियट स्ट्रीम विद सेजल? ब्रो आई रियली थिंक मुझे सेजल के साथ एक इडियट स्ट्रीम करनी चाहिए। इमेजिन भाई जो भी मेल इसके सामने आएगा भाई वो कितना डरेगा इसके सामने कुछ भी बोलने के लिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुस्कान कारिया वाला इतना पॉपुलर नहीं हुआ था जितना सेजल वाला हो सकता है। इतना मीम्स होने का बिकॉज ये भाई बहुत बकचोदी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। जतिन वर्सेस सेजल फॉर रियल क्रेजी हो जाएगा। ओह माय गॉड यार सच्ची में बच्चे को पीट दिया। मैं यहाँ बर्गर खा रही थी उसके बाद जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। यहाँ बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। मैंने उसके बाद There is no way this is VFX and there is no fucking way ki ye purana toilet hai. Nahi bro, she literally licked that shit bro. Meri saaf kar de Sejal. Ek banda comment mein lik raha hai ki meri saaf kar de Sejal. Oh damn. This is called fetish in the best. There is no fucking way ki tum mein se kisi ko bhi fetish hai toilet lick karne ki. Tumhe like bro na. Yaar mere hisab se ye to funny bhi nahi hai. Like for me main isko nahi dekh sakta. Aur I feel like isliye is pe itne numbers aa rahe hain because tum isko nahi dekh sakte. This is something mere hisab se kya main isko jisko wo bolunga kya bolte hain? Disgusting maybe or something like that kyunki ye bahut alag hai bhai. Main nahi dekh sakta is cheez ko. Is pe 35 million views hai bhai. Insane. कुछ खा रहा है क्या? मुझे भी खिलाना। खा ले मेरा। एयो एयो ओह शिट देयर इज नो फ्रिकिंग वे। वो भाई रियल थे। वो भाई बकरी के वो थे भाई क्योंकि मैंने बचपन में देखा है बकरी का कटते हुए भाई। वो रियल था वो झूठ नहीं था। ब्रो शी इज नॉट ओके भाई। ओह शिट आई एम गेटिंग बैंड मेरे हिसाब से। इमेजिन तुम में से कोई भी अगर खाना खा रहा होगा तो भाई मेरी गलती नहीं आई एम सॉरी भाई। एक होता है डार्क भाई एक होता है लाइक यू नो डिफरेंट ह्यूमर। दिस इज नॉट माई ह्यूमर। देयर इज नो फकिंग वे यार। भाई मेरे दिल में धक धक हो रही है यार लाइक गुलगुली सी मच रही है मेरे दिल में। इतना अजीब था ये। मैं प्रेग्नेंट ये बोलकर आज मैं पापा मम्मी के साथ प्रैंक करूंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। You shouldn't laugh like you know ऐसे जोक्स पे। रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम में से जिसने भी हंसा तुम सारे जेल में जाओगे। I didn't laugh at all। अर्ज किया है इन नेताओं को गरीबी को रोक सके इसलिए दिया था इनको सत्ता सुर में। और देश का पैसा लूटकर माधव घुस गया अपनी मां के पुर में। ओके अच्छा अयो पीनट बटर क्या क्या हम खाना खा सकते हैं भाई वॉचिंग हर मीम्स। आई डोंट थिंक सो मैं खा सकता हूँ। क्या आप
रुको बताती हूँ। तुझे मैं साइकोपैथ लगती हूँ? आई डोंट थिंक शी इज प्लेइंग अ कैरेक्टर एनीमोर। आई डोंट थिंक ये कैरेक्टर प्ले कर रही है मेरे हिसाब से। मुझे ऑनेस्टली बताना, तुम में से कितने सारे लोगों को लगता है कि ये फनी, लाइक यू नो, ये अपना इस तरीके का कैरेक्टर प्ले कर रही है, और मे बी शी इज लाइक दिस। मुझे तुम्हारा वो जानना है, ओपिनियन जानना है। कैरेक्टर शी इज लाइक दिस, आई मीन सी, इवन इफ शी इज प्लेइंग अ कैरेक्टर, तो भी आई थिंक ये ओवर जा रहा है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि द थिंग इज दैट कि तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें समझना पड़ेगा। एक साइकिल होता है, अब ये ऐसी चीजें कर रही है, अब कोई और एक लड़की आएगी जो कि इससे और खतरनाक चीज करेगी टू गेट नंबर्स, उसके बाद एक और आएगी जो कि और खतरनाक करेगी, समझे ना, और आएगी जो कि और भी खतरनाक करेगी, क्योंकि सबको ना नंबर्स चाहिए हैं। तो इसका लोअर वर्जन नहीं आएगा, इसका अपर वर्जन ही आएगा, समझे ना। अभी फॉर एग्जांपल पहले लोग बोलते थे कि समय रहने का ह्यूमर इज डैंक, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समय का ह्यूमर तो बहुत मिड है, एंड जो भी समय का ह्यूमर डैंक बोलता है उसका ह्यूमर खराब है। तुमने ऐसी मीम्स देखी है, समझे, तो सब पर ना वो चेंज हो रहा है। तो सोचो इसका नेक्स्ट वर्जन आए तो वो कितना अजीब हो सकता है। तो इवन इफ शी इज प्लेइंग अ कैरेक्टर, तो शी नीड्स टू लाइक यू नो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे ये चीजें नॉर्मल आ पाए। शी इज मेकिंग दिस वीडियो विद हर ब्रो। वो उसका भाई थोड़ा ना है, उसका बॉयफ्रेंड है मेरे हिसाब से। वो उसका भाई है? आर यू फॉर रियल? वो उसका भाई है? मेरी एक रिलेटिव आंटी ने मम्मी को मैसेज करके बोला आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, उसकी शादी करवा दो। मैं उस आंटी से बस इतना ही बोलना चाहूंगी, आपके कान में इतनी खुजली है और आप अपने हाथ से खुजला नहीं पा रहे हो, ये रसगुल्ला लो और ये आधा किलो चीनी और अपने ठूस के डाल लो और नंगी होके उल्टी लेट जाओ, चींटियां आके खुद खुजा देंगी। व्हाट्सएप एक अच्छा स्टेज है मैसेज के लिए, लेकिन आंटी आपको जो स्टेज मिलना चाहिए वो है 3 स्टेज कैंसर। और आंटी आपकी बेटी बेटियों को मेरी मम्मी बोलने आई कभी? सुबह उठता है, फोन चलाता है, बैठता है, सो जाता है, उठता है, बैठता है, सो जाता है, उठता है, बैठता है, सो जाता है। बेंच आपका बच्चा है कि मेरे बॉयफ्रेंड का? मेरी एक रिलेटिव। Oh my god dude, no way, for real bro। बहुत लोग हैं जो लड़के हैं वो भी लड़कियों पे ऐसे डार्क वीडियोस बनाते हैं, उनके बारे में बोलो। आई डोंट नो लड़के इतना ज्यादा डार्क वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता, बट डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। आज मेरे घर में एक चूहा मरा पड़ा मिला, वो दिखने में बहुत ही नॉट अ गुड टाइम। क्यूट और सेक्सी था, तो फिर मैंने उसके साथ मैं क्यों कर रहा हूँ ये। नमस्ते, मेरा नाम है सेजल, आज एक लड़का का मैसेज आया, उंगली करके दिखा, तो मैं चली गई उससे कर उंगली करने। मेरे उंगली करने के बाद अचानक से सब रोने लग गए, मैंने तो बस उसकी माँ को उंगली किया था, पता नहीं सब रो क्यों रहे थे। कल मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला चीट ऑन माय फेस, मुझे लगा कोई गलत चीज है तो मैंने मना कर दिया। फिर आज सुबह उठते ही मुझे बहुत जोर से टट्टी लगी, तो मैं चली गई टॉयलेट करने। जैसे ही मैं टॉयलेट में गई, मैंने देखा मेरे बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर। बाय बाय, ट्रॉमेटाइज होके फिर से एक महीना ब्रेक, मेरे को लग तो रहा है भाई। नो वे यू, आई स्वेयर टू गॉड भाई, कोई नॉर्मल मीम्स नहीं है इसके। दिस इज द रिप्लाई वीडियो ऑफ आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर किस करने से तो प्रेग्नेंट नहीं होता है। फिर मुझे पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड का तो मुंह ही लोड़े जैसा। अगर इसकी बॉयफ्रेंड की शक्ल लोड़े जैसा है तो फिर इसकी शक्ल कैसा होना चाहिए ताकि ये प्रेग्नेंट हो जाए? आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि मैं जहाँ से निकली हूँ मेरी शक्ल भी उसी की तरह है, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि तेरी शक्ल लंड जैसी है और तू मूठ मारते वक्त निकल गई, या फिर तेरी माँ की पैंटी में मैंने किसी अनजान आदमी की स्पर्म लगा दी और तेरी माँ ने पहनी और तू पैदा हो गई, क्योंकि सब चीजें बोली नहीं जाती ना भाई। बहुत डार्क है इसकी वीडियोस, लेकिन इससे भी डार्क तो इसकी मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन। फिर वही घिसी पिटी बातें, काली है ये। और अगर तुझे इतना ही तो पब्लिकली आके फ्लेक्स करना, मेरे सफेद काली है। मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में स्तम है निरोन, पते को बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए था। गुदे हाथुड़ी मेरे गुद भेंगे देबो, गुजे छो मोना दिस। लास्ट में क्या बोला इसने? क्या मैंने जस्ट एक फाइट देखी ऑफ वन डैंक क्रिएटर वर्सेस अनदर डैंक क्रिएटर? चैट कोई मेरे को, मैं थोड़ा इस वाली कंट्रोवर्सी से थोड़ा सा दूर हूँ, आई डिड न्यू कि जस्ट क्या हुआ, मुझे कोई समझा सकता है कि आखिर क्यों लड़ाई हो रही है ये वाली? रचित यू माइट बी ऑन रील्स, मैं उसके रील्स पे हूँ? आई डोंट थिंक सो भाई, इंटरनेट इज फक्ड फॉर रियल भाई। इंटरनेट पे आजकल बहुत सारी चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ये प्रेग्नेंट औरत सड़क पर भीख मांग रही थी, कह रही थी मेरा बच्चा होने वाला है, मेरे पास एक रुपया भी नहीं है, तो मुझे लगा मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने इसको 2 पैकेट आईपीएल की गोली दी। ये ना That's not funny. Even if she's playing a character, मेरे हिसाब से this is not funny. See, for some reason in India में बहुत सारी चीजें normalize हो गई हैं. For some reason, like you know, a lot of people started doing this thing कि ये तो सब sarcastic है, ये तो सब जो है ना एक satire है, तो इसलिए हम ऐसी चीजें कर रहे हैं. But technically, ये सब is not okay. ठीक है ना? ये YouTube जैसे platforms और इन जैसे platforms के लिए is not okay. ये सारी चीजें. Remember,
अरे भाई मेरा कैमरा वैसा हो गया। डू गाइस रिमेंबर टू गर्ल्स वन कप? डू गाइस नो टू गर्ल्स वन कप वाला सिचुएशन? ठीक है, वो डार्क वेब डीप वेब वाली ऐसी वीडियोस थी। ठीक है, मेरे को नहीं लगता ज्यादा टाइम है जहाँ पर टू कप्स वन गर्ल टाइप की जो वीडियोस है वो सारी वीडियोस यूट्यूब पे कोई बनाने लगे या कोई वैसे प्लेटफॉर्म पे कर दे। अभी एक बंदा हुआ था जो कि मेरे हिसाब से एक कंपटीशन कर रहा था कि वो सोएगा नहीं ऑन स्ट्रीम, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था ऑफ नॉट स्लीपिंग और ऑलमोस्ट वो मरने वाला था मेरे भाई, समझे? तो इंटरनेट पे चीजें बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम जाने लगी हैं एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैं स्ट्रीमिंग में थोड़ी सी चेंजमेंट कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो जैसे मैं और मेरे फ्रेंड्स काफी चीजों के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे को देखकर नए नए स्ट्रीमर्स आएंगे और वो इससे ज्यादा एक्सट्रीम चीजों के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है, और वो और ज्यादा गंदी गंदी चीजें बोल सकते हैं। तो जो मैं बोलता हूँ वो कि तब भी एक टाइम पे लाइक यू नो फॉर सम रीजन बहुत बड़ा इशू है, बट मेरे से जो इंस्पायर होकर बंदे कर सकते हैं ना वो तो बहुत ही गंदा हो सकता है। दे कैन एक्चुअली डू एनीथिंग ऑन स्ट्रीम्स, तो इसीलिए लाइक यू नो इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है। I don't want कि like मैं one of the reason बनूं उस inspiration का। So yeah, like on her मैं यही बोलूँगा कि यार this is something जो मैं नहीं देख सकता भाई। बचपन में कितना कमाल का था। आंटी खुद कहती थी आजा मेरी बेटी के साथ खेल ले। और अब वही बेटी बड़े होने के बाद तुम्हारे साथ खेल के चले गई। इसीलिए अब वो बेटा तुम्हारी मम्मियों के साथ खेल रहा है। मैं तो किसी के साथ नहीं खेल पा रहा हूँ। क्या खेल रहे हैं हम लोग? घर घर। हेलो, घर घर खेलोगे? तुम्हारे पास तो घर ही नहीं। चलो ये फनी था, आई लाइक दिस। मतलब इस तरीके की रील्स आर ओके, लेकिन कुछ ज्यादा ही वो वाली तो बहुत ही वैसी है भाई। लाइक मैं पेरेंट्स के सामने नहीं देख सकता, मतलब दिस इज समथिंग जो कि मैं किसी के सामने देख ही नहीं सकता हूँ, सही बताऊं तो। रुको दिखाती हूँ। ओके ओके, दैट वाज ओके। यार कुछ कुछ रील्स आर फनी, कुछ कुछ रील्स आर ओके, बट कुछ कुछ रील्स आर वेरी डैंक। मतलब फॉर पीपल दिस इज डैंक एंड लाइक इसको तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे हिसाब से तुम सेजल के कॉन्टेंट को क्या बोलोगे? दिस इज डैंक। ऑल राइट, समझा। इवन इफ इस कैरेक्टर इज गोइंग वे टू फार, ऑलराइट। या आई एम जस्ट स्केयर्ड लाइक यू नो इफ इस तरीके का कंटेंट और कंटिन्यू होता रहा तो पीपल हु गोना इंस्पायर्ड लाइक यू नो इससे वो बहुत क्रेजी हो सकते हैं। मुझे कोई इशू नहीं है, लाइक मैं तो हटा दूंगा भाई, समझे? मेरे पे रिकमेंड होगी, आई जस्ट लाइक नॉट इंटरेस्टेड, समझे? एंड वो चला जाएगा, बट आई फील लाइक शी नीड्स टू स्टॉप ऑल दिस कंटेंट। लाइक जो वो बना रही है बहुत फार जा सकता है और अभी तो स्टार्टिंग है, समझे? अभी तो स्टार्टिंग है।